आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। हम पढ़ रहे थे 2022 में बदल दिए गए नाम। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी आप देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, यह नया नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन के सिद्धांत को किस नए शब्द में बदल दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रेन गेन, यह आपका नए शब्द में बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ODR एक्सप्रेस, यह नया नाम कर दिया गया है। किसका? बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नया नाम अब हो गया है ODR एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देवगिरी किला, यह नया नाम रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से अब प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह को जाना जाएगा। किस नाम से? पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड, अब नया नाम हो गया है। किसका? रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम अब पतंजलि फूड्स लिमिटेड हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यानी ASI पुणे का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर चौक। आज के लिए बस इतना ही। यह जो टॉपिक है अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चलिए इसके अगले पार्ट्स में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।